दोस्तों यूरोपियन मार्केट से 20 नेशंस के लिए अगर आप देखेंगे तो काइंड ऑफ बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आ रही है। और आपको देखेंगे 2020 से लेकर 2020 से जब देखिएगा सारे सेंट्रल बैंक्स ने रेट हाई करना शुरू करा और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना शुरू करा, तब से लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है इस पर्टिकुलर वीडियो में। और गूगल करके ज़रूर सर्च करिएगा ताकि आप अपनी नॉलेज को और इन्हांस कर सकें और अच्छी तरीके से डेटा वेरीफाई कर सकें। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मैं बात कर रहा हूँ बैंक ऑफ इंग्लैंड। अब इंग्लैंड की राह पे ही पूरा यूरोपियन नेशन चलता है। आपको पता है कि जो पहले काम बैंक ऑफ इंग्लैंड करता है वही सेम काइंड ऑफ चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं बिल्कुल पूरी तरीके से देखिएगा यूरोपियन नेशंस में। तो अब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पहला कदम उठा लिया है। अगर आप देखेंगे तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कट करा है इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 16-year high। तो अगर आप देखेंगे 16 साल के टॉप लेवल पे पहुंच गया था, यानी कि इतना इंटरेस्ट रेट हाई कभी भी डेवलप्ड नेशन में होता ही नहीं है और इंग्लैंड जैसी कंट्री में तो कतई नहीं होता है। तो आप देखेंगे तो इंग्लैंड जैसी कंट्री में 16-year का जो हाई है वहां से पहला रेट कट अब करा गया है और इन्फ्लेशन ईज होने के बाद करा गया है, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। लाइक उनका जो टारगेट था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का वो काइंड ऑफ अचीव कर लिया था, तो इसलिए उन्होंने पहला रेट कट कर दिया है। अब आपको भी पता है कि रेट कट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पॉलिसी मेकर या फिर एक्सपर्ट जो थे यहाँ पे डिवाइडेड थे। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ पे पॉलिसी मेकर, तो नैरो वोट इन फेवर फ्रॉम पॉलिसी मेकर डिवाइडेड ओवर वेदर इन्फ्लेशन प्रेशर हैड ई सफिशियंटली, यानी कि मोस्ट ऑफ द पॉलिसी मेकर ये मान रहे थे कि क्या इन्फ्लेशन ईज हो चुका है इतना कि हमें कंटिन्यू करना चाहिए। तो गवर्नर एंड्रयू हु लेट द 5-4 डिसीजन टू लोअर रेट्स बाय 0.25%। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे उसके बाद जो डिसीजन आता है वो आपको पता है कि गवर्नर साहब ही लेते हैं, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि रेट्स को कम करना चाहिए। वी नीड टू मेक श्योर इन्फ्लेशन स्टे लो। हमें ये चीज़ देखनी है इसके बाद कि इन्फ्लेशन कंटिन्यू अभी भी लो देखने को मिले, कंटिन्यू अप ट्रेंड में ना आ जाए और ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे देखिएगा पैनिक क्रिएट हो जाए, इकॉनमी में बैकफायर हो जाए। तो ये चीज़ें बहुत ही केयरफुल रहेंगी और इन पर फोकस करते रहेंगे। जो आगे के रेट कट हैं वो बहुत जल्दी नहीं करेंगे, उन्होंने स्टेटमेंट में ये चीज़ ऐड करी, लेकिन पहला रेट कट यहाँ पे कर दिया है। और वोटिंग देखते हैं आप क्या सी थी। तो पहले अगर आप देखेंगे जो डिसीजन आया है तो रूटर का जो पोल था इकोनॉमिस्ट का, तो उसमें केवल 60% ऑडियंस को लगता था, 60% ही ऑडियंस को लग रहा था कि चांस है कि यहाँ पे रेट कट किया जाएगा, लेकिन फिर भी रेट कट हो गया तो बड़ी बात है। रेट हैव बीन ऑन होल्ड फॉर ऑलमोस्ट अ फुल ईयर, लॉन्गेस्ट पीरियड रेट हैव बीन लेफ्ट अनचेंज पीक ऑफ BOE टाइटनिंग साइकिल सिंस 2001। तो अगर आप देखेंगे कंटिन्यू इतना बड़ा टाइटनिंग की गई, पीक बनाया गया रेट्स का, और मार्च 2020 से जो रेट हाइक शुरू हुआ था उसका एंड देखने को मिला है आपको, और पहला रेट कट एक डेवलप्ड नेशन ने कर दिया है जो कि बड़ी बात है, क्योंकि कोविड के बाद से कोई ऐसा सॉलिड सेंट्रल बैंक है जिसने रेट कट किया है। और यहाँ पे वोटिंग हुई थी बैंक ऑफ इंग्लैंड की तो 7-2 टू कीप रेट्स ऑन होल्ड, एंड मिनट्स ऑफ द मोस्ट रिसेंट मीटिंग द डिसीजन कट्स द रेट हैड बीन फाइनली बैलेंस्ड फॉर सम मेंबर इकोइंग द लैंग्वेज प्रीवियसली व्हेन रेट्स वर केप्ट अनचेंज। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से सिनेरियो कोई भी रहा हो, रेट कट 2020 मार्च से लेकर अब जो जितने भी हाइक किए गए थे उसके कारण क्या हुए हैं, कट हो गए हैं। इम्पैक्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पे US का बॉन्ड मार्केट तो 4 के भी नीचे आ चुका है और 30-year बॉन्ड मार्केट भी डाउन है और 2-year बॉन्ड मार्केट ज़्यादा डाउन है। फिर अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन नेशंस में तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, डाउन ट्रेंड अच्छा देखने को मिल रहा है पूरे यूरोपियन यहाँ पे बॉन्ड मार्केट में, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए आपको पता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन मानी जाती है।
तो अगर रेट कट शुरू हो जाते हैं तो फिर से डिमांड क्रिएट होगी, जो कि स्टॉक मार्केट और ग्लोबल डिमांड के लिए अच्छी बात है। तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो आने वाले हफ्ते में बहुत असर करेगी, फोकस करेगा। राम राम।